आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ACCA। Hi everyone, my name is Swati Dhingra and I am a proud FinTrammer. हमारी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ACCA एंट्री रूट फॉर क्लास 11th एंड 12th स्टूडेंट्स। अगर आपने नहीं देखा तो इसका लिंक हमने आई कार्ड में शेयर किया है, जल्दी से जाकर आप सबसे पहले वो देखिए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ACCA। जो क्लास 12 स्टूडेंट्स जब ACCA में एनरोल होने के बारे में सोचते हैं तो उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। बच्चों, यहाँ पर आपको अकाउंटेंसी एंड इंग्लिश में 65% अबव स्कोर करने पड़ते हैं और आपके जो बाकी के अदर सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें आपको 50% अबव स्कोर करना पड़ता है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं जो बोलते हैं कि मैम हमारे पास मैथ्स था, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोलेंगे हमारे पास तो क्लास 12th में मैथ्स नहीं था। तो हम ACCA कर सकते हैं भी या नहीं कर सकते? तो गुड न्यूज ये है कि अगर आपके पास मैथ्स थी या आपके पास मैथ्स नहीं भी है तो भी आप ACCA कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स हमारे लिए एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। अगर आपके पास मैथ्स है तो उसके ऊपर क्राइटेरिया आपका यही है कि आपको 65% अबव स्कोर करना होता है, और अगर नहीं है तो गुड न्यूज है ही है कि हमारे पास है नहीं, तो हम तो आगे अपनी ACCA की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी सीधा नॉलेज लेवल के साथ। अगर आप भी ACCA करने के बारे में सोच रहे हैं या कोई भी क्वेरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड आपके माइंड में है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। We will be happy to take it up and will be making up videos on them. And channel subscribe करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि जैसे ही कोई हमारी वीडियो आए ACCA से रिलेटेड आपके पास सबसे पहले पहुंचे। So see you in my next video. Till then, Swati Dhingra signing off.